पैटर्न्स, आज हम देखेंगे कि पैटर्न्स क्या होते हैं और वो किस किस तरह के होते हैं। पैटर्न्स, एक तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि हम किसी भी चीज़ में किसी भी तरह का कोई चेंज, कोई बदलाव देखते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि किस तरह से बदल रहा है, तो वो उसका पैटर्न कहलाता है कि किस तरह से बदल रहा है। अगर हम स्पेसिफिकली इस एग्जाम्पल में देखें तो हम ये देख सकते हैं, ये जो बॉल है, इस बॉल के अंदर दो और कंचे की तरह चीजें हैं जो एक पिंक कलर की, एक ग्रीन कलर की है और बीच में एक लाइन है, ठीक है। अब ये पलट कर किस तरफ जाती है, इस तरफ चलेगी और ये लाइन टेढ़ी हो गई, ग्रीन बॉल इस तरफ आ गई, पिंक बॉल उस तरफ चली गई। इससे अगली वाली में ये लाइन एकदम सीधी लेट गई और ग्रीन बॉल इस तरफ आ गई और पिंक बॉल इस तरफ आ गई। तो हम इसमें एक पैटर्न देख सकते हैं कि इसमें ये बॉल्स और ये कंचे, ये पूरा बॉल किस तरह घूम रहा है, इसको पैटर्न बोलते हैं। अगर हम इसे बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये एकदम सीधी खड़ी हुई है, फिर इसके बाद में हमने देखा था कि 45 डिग्रीज क्या होता है ना, जैसे 90 डिग्रीज ये होता है, दिस इज 90 डिग्रीज या फिर पढ़ा हुआ है। उसी तरह से अगर हम इसको आधा कर दें, 90 डिग्री, 90 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 45, ठीक है, ये 1 और ये नीचे 0 आया तो माइनस 10, तो 45 डिग्रीज यानी ये, तो हम ये देख सकते हैं 45 डिग्रीज के टर्न पर चल रहा है। अगर हम इस चीज़ को और आगे फॉलो करते हैं तो 45 डिग्रीज और आगे जाकर ये सीधा लेट जाएगा। अब हमें पता लगाना है कि इसके आगे का पैटर्न क्या होगा जिससे ये हम पैटर्न साइकिल आगे तक पूरी कर सकें। अगर हमें इतना भी सुनिए कि 45 डिग्रीज के टर्न पर चल रहा है तो अगर हम इसको किस तरफ घुमाएंगे, और हमें ये भी दिख रहा है कि ये क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज यानी जैसे घड़ी चलती है, जैसे घड़ी जो होती है उसमें क्या होता है ऐसे, है ना, तो उसी तरह से जिस तरह घड़ी चलती है उस तरह से ये हमारा घूम रहा है इस तरह। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, इसका उल्टा, ये होता है क्लॉकवाइज एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी यानी उल्टा। तो अगर हम इस चीज को ध्यान रखते हुए ये देखें तो ये 45 डिग्रीज पर क्लॉकवाइज टर्न लेता हुआ चलता चला जा रहा है। अब हमें अगला इसका जो है पार्ट कंप्लीट करना है जिससे हम इसका पैटर्न कंप्लीट कर सकें। तो हम पहले एक सर्कल बनाएंगे, ये एक बॉल की तरह दिखे, ये हमारा सर्कल हो गया। अब हमें देखना है 45 डिग्रीज पे जाना चाहिए, तो हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि लाइन कहाँ गुजरेगी। अगर ये ऐसे लेटी हुई तो अब अगली लाइन इधर ऐसे आएगी, तो यानी ये ऐसे हो गई, दिस इज द नेक्स्ट 45 डिग्रीज टर्न। अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी कलर की बॉल किस तरफ आई, तो अगर हम ये देखें तो इस तरफ घूमकर पिंक बॉल आनी चाहिए, इधर हम बनाएंगे पिंक बॉल और इस तरफ घूमकर ग्रीन बॉल आनी चाहिए, तो ये बन गई ग्रीन बॉल। उसी तरह हम आगे इस पैटर्न को पूरा करते जाएंगे, आप इसे कम से कम 3 बार बनाने की आगे कोशिश किया करें तो अच्छा होगा। अगर ये इस तरफ ऐसे आ गया तो अगला इसका किस तरह आएगा, दोबारा लेट जाएगा, दोबारा लेट जाएगा, तो अब क्या होगा, अब पिंक बॉल खिसक कर इधर आ गई है। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो पिंक बॉल खिसक कर थोड़ी इधर आ गई है, तो इससे बिल्कुल उल्टा, क्योंकि लेटा तो ये वाला भी हुआ है, इसके जैसा हम बिल्कुल वहाँ बनाएं, इस पैटर्न को देखते हुए चलें और ये बनेगा आपका ऐसे, ये ग्रीन बॉल है और ये पिंक बॉल है,
इसके बाद में अगला आपका दोबारा से 45 डिग्री का टर्न लेगा। 45 डिग्रीज क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है। उसी तरह अगर आपका 45 डिग्रीज दोबारा टर्न लेगा तो ये दोबारा से ऐसे आ जाएगा, जिसमें आपकी पिंक बॉल खिसक कर ऐसे आ गई है, तो ये यहाँ पर आएगी पिंक बॉल, ये आ गई आपकी, और ग्रीन बॉल दूसरी तरफ। इस तरह पैटर्न्स हम बनाते हैं शेप्स में। और भी आपको मैं एग्जांपल्स बताती चली जाती हूँ आगे, आप उनको भी ध्यान से देखिएगा। अगला हम देखेंगे कि हम एक छाते में किस तरह के पैटर्न्स देख सकते हैं। अगर एक छाते को मैं ऐसे बनाती हूँ, ठीक है, और फिर इसको मैं ऐसे घुमा देती हूँ, तो ये किस तरफ घूम गया? ये इस तरह उल्टी साइड घूम गया, उल्टे हाथ की तरफ, क्योंकि हमने ये देख रहा है कि ये पहले ऊपर था, अभी उल्टे हाथ की तरफ को घूम गया, और कितना 90 डिग्रीज की तरफ ही लेफ्ट हैंड साइड में घूम गया है। और हमने ये देखा था कि अगर घड़ी से उल्टी की तरफ घूमता है तो एंटी क्लॉकवाइज कहलाता है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्रीज घूम रहा है। अगर हम इसको 90 डिग्रीज दोबारा घुमाएंगे तो छाता कुछ ऐसा दिखना चाहिए। और इसके बाद में अगला होगा ये वाला। अब हम देख सकते हैं कि इसके बाद में ये पैटर्न दोबारा से घूमकर वापस वैसा ही हो जाएगा जैसे हमने शुरुआत में देखा है, यानी छाता फिर से सीधा खड़ा हो जाएगा, उस तरह से बन जाएगा। तो हम ये अलग अलग तरह के पैटर्न्स देख सकते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में हम बनाते हैं, और अलग अलग एंगल्स में। क्लॉकवाइज क्या होता है? जो घड़ी के अनुसार चलता है, जैसे 1 2 3, जैसे हमारी घड़ी इस तरफ चलती है, वो क्लॉकवाइज कहलाती है, ये क्लॉकवाइज होता है। कोई भी पैटर्न अगर सीधे हाथ की तरफ घूम रहा है तो वो क्लॉकवाइज हो गया, और अगर कोई पैटर्न उल्टे हाथ की तरफ घूम कर कोई शेप बना पैटर्न बना रहा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखें, और आप डिग्रीज भी देखें, 90 डिग्रीज कैसा होता है? स्ट्रेट राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्रीज कहलाता है। ये पहले इस तरह था और फिर इस तरफ घूम गया पूरा, ये ऐसे हो गया तो ये 90 डिग्रीज घूम गया। इसके बाद में दोबारा 90 डिग्रीज घूमता तो ऐसे हो जाता, जो इस तरफ खड़ा हो गया, और फिर इस तरफ ऐसे, और वापस घूम कर ये दोबारा पहली शेप की तरह वापस आ गया। तो ये शेप्स में हम पैटर्न्स देख सकते हैं।